चुनाव हारने के बाद कई बार नेताओं के द्वारा बदला लेने की घटनाएं सामने आती रही हैं। खासकर त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में अक्सर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। ताजा मामला सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत देवगांव कला का है, जहां अपने प्रत्याशी के सरपंची का चुनाव हार जाने के बाद राजेंद्र शुक्ला, जो की एक शासकीय विद्यालय में शिक्षक भी है, उन्होंने जेसीबी मशीन लगाकर सड़क खुदवा दी, जिसके चलते अब गाँव के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नवनिर्वाचित सरपंच रामायण साहू ने बताया कि विपक्षी चुनाव हारते ही जनता को परेशान करने के लिए सड़क खुदवा दिया है, जिसके चलते बच्चे विद्यालय भी नहीं जा पा रहे हैं। कभी भी कोई भी गंभीर घटना घटित हो सकती है। नवनिर्वाचित सरपंच ने आरोप लगाया कि उनके चुनाव जीतने से नाराज होकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं नवनिर्वाचित सरपंच ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मामले की शिकायत करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्रॉक 24 न्यूज। ये बताइए, किस ग्राम पंचायत से अभी आप चुन करके आए हैं? दो गांव कला। नाम क्या है आपका? रामायण प्रसाद साहू। रामायण प्रसाद साहू, आपके यहाँ अभी जेसीबी से जो मतलब आपके विपक्षी थे जो हार गए हैं चुनाव, उन्होंने रोड को ही खनवा दिया है, क्या मामला है, आप थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? जी सर, इसमें चुनाव हारने के बाद उतने न चुनावी मुद्दा लेके न हमारे पब्लिक को इतना परेशान कर रहे हैं जी, कि जो स्कूल से चलने वाले बच्चे उनको भी अवरुद्ध हो चुका है जी। तो कल की तारीख में ऐसा कि वहाँ से रात में चलने के लिए भी कोई रास्ते नहीं रह गए जी। तो हम लोग उसी चक्कर में यहाँ कलेक्टर या थाने या तहसील में इसके लिए ना निवेदन करेंगे। हमारे कहने का मतलब ये है कि ठीक है, चुनाव में हार जीत तो होती रहती है, तो इसमें गांव वालों का कोई मतलब न होना चाहिए, उसमें काहे रोड खनवा दिए? लेकिन वो लोग सर इतना जाति प्रकरण और हारने के कारण पब्लिक को इतना परेशान करना चाहते कि क्योंकि दक्षिण टोला से जो हमारा चुनावी मेन कला पंचायत का मेन गढ़ है, जहाँ से हमको भरपूर मतें मिली। और एक बात, दूसरी बात, वहाँ स्कूल भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वही रोड कनेक्ट करती है। जी 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 जी। और आप इसके बारे में कहीं लिखित दिए हैं? लिखित देने के जा ही रहा था सर कि बारिश हो रही है, मैं रुका हूँ और कल सुबह सुबह मैं हर जगह यहाँ से कलेक्टर तक पहुँचाऊंगा सर। बिल्कुल, धन्यवाद आपका, आपकी बात हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। जी सर, जी सर, और हमारे जनता को हो सकता है कि न्याय मिलने की आशा कर रहा हूँ सर मैं। धन्यवाद आपका।